नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। इसके साथ साथ आज हम चर्चा करेंगे कि इस साल, इस वर्ष में लगने वाले हैं, आने वाले महीनों में 3 बड़े ग्रहण। जी हाँ, अब 1.5 महीने के अंदर अंदर 3 ग्रहण लगेंगे। अब तीनों ग्रहणों का प्रभाव भी पड़ेगा। प्रभाव की बात हम बाद में करेंगे, मगर इस समय पे चर्चा कर लेते हैं कौन सी तिथि पे ये ग्रहण लगेंगे, कौन कौन से ये ग्रहण लगेंगे और साथ ही साथ क्या इनका समय होगा। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे देती हूँ कि ग्रहण जब भी लगता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पे लगता है। साथ ही साथ अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये हमेशा पूर्णिमा तिथि पे लगता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस साल के पहले ग्रहण की, तो वो 10 जनवरी 2020 को लग चुका था। अब 5 जून 2020 को लगेगा दूसरा चंद्र ग्रहण। ये जो ग्रहण है ये उपछाया ग्रहण होगा, भारत में नजर जरूर आएगा। भारत के साथ साथ अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में इस ग्रहण के नजर आने के पूरी संभावना है। इसके साथ साथ ये जो ग्रहण है ये शुरू होगा रात को 11:15 से आरंभ होगा और देर रात्रि अर्थात अगले दिन सुबह यानी 6 जून तक ये चलेगा 2:34 AM तक, यानी रात को 2:34 पे ये समाप्त होगा। ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, ये पूर्ण रूप से नजर जरूर आएगा मगर इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं पड़ेगा। बात करते हैं इस वर्ष के तीसरे चंद्र ग्रहण की, अर्थात अगर हम बात करें कि इन 1.5 महीनों में जो दूसरा ग्रहण लगने वाला है वो लगेगा 21 जून 2020 को। ये सूर्य ग्रहण होगा और ये पूरी तरह से भारत में भी नजर आएगा, इसके साथ साथ साउथ ईस्ट, यूरोप, एशिया में भी नजर आने की पूर्ण रूप से इसकी संभावना है। इसके साथ साथ अगर समय की हम चर्चा कर लें तो 9:15 से ये आरंभ होगा और 2:02 दोपहर तक चलेगा। मगर अगर हम बात करें दोपहर में 12:10 पे इसका बहुत अधिक प्रभाव बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं इस ग्रहण से हमें बहुत ज़्यादा बचने की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ हमें प्रिकॉशंस लेने की भी ज़रूरत है। हम आपको धीरे धीरे जानकारी देते रहेंगे एस्ट्रो तक के माध्यम से। बात कर लेते हैं हम तीसरे और इस 2.5 महीने के अंतिम ग्रहण की, क्योंकि आगे भी ग्रहण लगेंगे, क्योंकि 2020 की अगर बात करें तो 2020 में कुल मिलाकर के 6 ग्रहण लगेंगे। तो बात करते हैं चौथे ग्रहण की, यानी इस वर्ष का जो चौथा ग्रहण लगेगा और 1.5 महीने के अंदर अंदर जो तीसरा ग्रहण लगेगा वो लगेगा 5 जुलाई को। ये भी चंद्र ग्रहण होगा मगर इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये भारत में नज़र नहीं आएगा, ये साउथ ईस्ट यूरोप में नज़र आएगा, साथ ही साथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में नज़र आने की पूर्ण रूप से इसकी संभावना है। अगर समय की चर्चा करें ये कितने बजे से आरंभ होगा, तो ये 8:37 सुबह से आरंभ होगा और दोपहर अर्थात सुबह 11:22 तक ये चलेगा। सुबह के समय हमें भारत में चंद्र ग्रहण लगेगा तो इसलिए नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जिन देशों में इस समय पे रात्रि हो रही होगी वहीं पे इस ग्रहण के नज़र आने की संभावना है। तो ये 3 बड़े ग्रहण एक ही महीने के अंदर अंदर, मतलब 15 दिनों के अंदर अंदर लगने वाले हैं। इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, 12 राशियों पे भी पड़ेगा। हमें किस तरह से सावधानियाँ बरतनी है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, ये सभी जानकारी देखने के लिए, जानने के लिए बने रहिए एस्ट्रो तक के साथ, मेरे साथ। इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार, जय श्री राधे।